मूवी के शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से सुनसान और खाली पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत दिनों से कोई भी इंसान मौजूद ही ना हो। और फिर हम वहाँ के एक बड़े दुकान को देखते हैं जिसके अंदर एक बोर्ड पर बहुत से मिसिंग लोगों के बारे में नोटिस लगा हुआ था। और फिर तभी हम उस दुकान के अंदर एक छोटे से बच्चे को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहन रेगन आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहीं उसी दुकान में दूसरी तरफ उनकी माँ एवेलिन अपने बीमार बेटे मार्कस को बहुत ही सावधानी से एक मेडिसिन उतारकर खिलाती है। और उधर ब्यू फर्श पर चौक की मदद से एक एरोप्लेन का चित्र बनाता है और फिर रेगन को हाथों से इशारा करके प्लेन उड़ाने के बारे में दिखाता है। फिर वो वहाँ से उठकर एक अलमारी के पास जाता है जहाँ पर बहुत से टॉयज रखे होते हैं और वहीं ऊपर एक प्लेन भी रखा होता है जिसे ब्यू नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर अंत में वो प्लेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे रेगन जमीन पर गिरने से पहले भागकर पकड़ लेती है। और तभी वहाँ पर उनके डैड ली आ जाते हैं, जिसे देखकर रेगन उस प्लेन को नीचे रख देती है और अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ ली उसे बहुत सारे टूल्स और रेडियो सिग्नल्स को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस को दिखाते हैं। और तभी वहाँ पर एवेलिन मार्कस को लेकर आ जाती है और ली को घर चलने का इशारा करती है क्योंकि थोड़े समय में अंधेरा होने वाला था। पर तभी वहाँ पर ब्यू उस प्लेन को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। तब ली ब्यू को समझाता है और उसे उस टॉय को लेकर उसकी बैटरी निकाल कर अलग कर देता है और फिर सबको घर चलने का इशारा करता है। पर तभी रेगन ब्यू को बिना बैटरी के प्लेन से खेलने के लिए कहती है और उसे वो प्लेन भी दे देती है, जिसके बाद सभी लोग उस दुकान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ब्यू बाहर आते समय उस बैटरी को ले लेता है और फिर सभी उस शहर से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आने जाने के रास्ते में बालू और रेत को फैलाकर रखा है ताकि उनके चलने का भी आवाज ना हो, जिससे अब वो सब चलते चलते जंगल में एक पुल पर आ जाते हैं जहाँ वे सबसे पीछे चल रहा होता है। और तभी वो एक जगह पर रुककर उस प्लेन में बैटरी लगाकर उसे चालू कर देता है, जिससे वो प्लेन आवाज करने लगता है, जिसे सुनकर ली एवेलिन और मार्कस बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। अब यहाँ में फाइनली समझ आता है कि रेगन सुन नहीं सकती थी और तब ली बी को बचाने के लिए भागते हुए उसके पास आता है। लेकिन तभी जंगल की दूसरी तरफ से एक बहुत ही भयानक और डरावना एलियन प्लेन की आवाज सुनकर बी उन पर हमला कर देता है और फिर अंत में उसे मार डालता है, जिसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं और एवेलिन दुखी के मारे रोने लगती है। अब इसके बाद हम इस घटना के लगभग 400 दिन बाद का समय देखते हैं, जहां पर पूरे धरती पर बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं। उन्हीं में से ली और उसका परिवार भी अपने आप को उन एलियन से बचाकर सेफ रखी हुई थी। और अब ली अपने घर के हर रास्ते पर कैमरा लगाकर नजर रखता है, जिसके बोर्ड पर उन एलियंस के बारे में लिखा होता है कि ये एलियंस देख नहीं सकते पर वो हर छोटी सी छोटी आवाज को भी दूर से सुन लेते हैं और उस आवाज पर वो हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। और ली ने अपने एरिया में 3 एलियन के होने के बारे में भी उस बोर्ड पर लिखा था और फिर वो अपने कमरे में रेडियो सिग्नल की मदद से अलग अलग जगह पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर उसका सिग्नल किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि एवेलिन अब प्रेग्नेंट है और जल्दी उसकी डिलीवरी की डेट आने वाली है, इसलिए वो अपने आने वाले बेबी के लिए कपड़ों का खिलौना और एक बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाती है ताकि बेबी के रोते समय उसे उन एलियन से बचाया जा सके। उधर शाम होने पर ली एक टॉवर पर चढ़कर आग जलाता है, जिसके बाद उसे जंगल में दूर कहीं जगह पर आग जलता हुआ दिखाई देता है। जो लोग अब भी उन एलियन से बचे हुए होते हैं इसलिए रोज शाम अपने एरिया में आग जलाते हैं। अब इसके बाद बिना कोई शोर किए सभी डिनर करते हैं और फिर मार्कस और रेगन जमीन पर डाइस गेम खेलते हैं, जहां पर मार्कस से गलती से एक लैंप नीचे गिर जाता है जो एकदम से टूट जाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए शोर हो जाता है और फिर वहीं पर आग लग जाती है। तब ली जल्दी से उस आग को बुझाता है और सबको चुप रहने का इशारा करता है, पर तभी उनकी छत पर कबूतरों के उड़ने की आवाज आती है और फिर थोड़ी देर बाद किसी की चलने की भी, जिससे सभी एकदम डर जाते हैं। फिर ली खिड़की से बाहर देखता है और तभी उस छत से 2 चूहे नीचे गिरते हैं, जिसे देखकर उनका डर शांत हो जाता है। अब इसके बाद ली रेगन के लिए ईयर मशीन बनाता है जिससे वो सुन सके और तभी वहाँ पर एवेलिन आ जाती है और ली के साथ हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनती है, जिसे दोनों भी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन ली किसी भी खतरे के सिग्नल के लिए हर जगह रेड बल्ब लगाता है और रेगन को बेसमेंट में जाने से रोकता है।
हैं, पर रेगन उस पर इशारों में गुस्सा करती है और कहती कि वो छोटी बच्ची नहीं है। जिसके बाद ली उसे एयर मशीन देता है, जिस पर रेगन उसे बताती कि उनका बनाया हुआ कोई भी एयर मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस मशीन को लेने से मना कर देती है। जिस पर बेचारा ली इमोशनल होते हुए उसे समझाता है और वो मशीन उसके हाथ में थमा देता है और समझाता है कि वो हार नहीं मानेगा। जिसके बाद वो मार्कस को अपने साथ फिश पकड़ने के लिए रिवर के पास चलने के लिए कहता है, जिस पर मार्कस डर जाता है और जाने से मना करता है। तब उसकी माँ एवेलिन उसे समझाती है कि उसके पिता उसे कुछ भी होने नहीं देंगे, इसलिए अब मार्कस रिवर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस पर रेगन भी ली के साथ जाने की जिद करती है, पर ली उसे घर पर रहने के लिए ही कह देता है, जिससे वो दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर रिवर के पास पहुंचकर ली अपने जाल से फिश निकालकर मार्कस को देता है, पर फिश की आवाज से मार्कस डर जाता है। तभी उसे समझाता है कि रिवर की आवाज से एलियनों की आवाज नहीं सुन सकते, जिसके बाद वो उसे एक झरने के पीछे ले जाता है और वहां पर उसे खुले मन से बोलने के लिए कहता है, जिसलिए मार्कस अब जी भरकर बोलने लगता है, जिससे उसे खुशी होती है। फिर मार्कस ली से पूछते है कि क्या वो बे को मौत का कारण रेगन को मानता है, जिस पर ली उसे बताता है कि नहीं, जो हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी और वो रेगन से अब भी बहुत प्यार करता है। उधर रेगन एक बैग में कुछ सामान लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वी की मौत हुई थी। वो अब उस जगह पर उस प्लेन को रख देती है जिसके कारण वी मारा गया था, और फिर दुखी मन से वो वहीं पर लेट जाती है। वहीं दूसरी ओर ली और मार्कस फिश लेकर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ रास्ते में ली एक ओल्ड लेडी की लाश को देखता है, जिसके पास ही में उसका हस्बैंड दुखी और उदास खड़ा होता है, जिसे ली चुप रहने के लिए कहता है। पर फिर वो बुजुर्ग जोरों से चिल्लाने लगता है, जिसकी बाद ली मार्कस को उठाकर भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और फिर तभी जंगल से वो एलियन तेजी से आता है और उस बुजुर्ग को मार डालता है। दूसरी ओर एवेलिन की डिलीवरी होने ही वाली होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ के बेसमेंट में आ जाती है। पर तभी नीचे उतरते समय सीढ़ी पर एक कील उसके पैर में घुस जाती है, जिससे उसके हाथ से बी का फोटो एल्बम गिरकर टूट जाता है, जिससे एक शोर हो जाती है। इसलिए अब एवेलिन किसी तरह से नीचे आकर रेड लाइट्स को ऑन कर देती है, पर तभी उसे बेसमेंट के ऊपर एक एलियन दिखाई देता है, जिससे डर के मारे वो तुरंत छिप जाती है। वहीं उधर ली जब दूर से ही रेड लाइट्स को जलता हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि एवेलिन मुसीबत में है, इसलिए वो तेजी से भागकर घर की तरफ आता है। और घर के पास आकर वो वहां पर उन एलियंस को देखता है, जिसके बाद वो मार्कस को एक टॉर्च देता है और रॉकेट्स और पटाखे को जलाने के लिए भेजता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो एलियन दूसरी तरफ चले जाए और फिर वो एवेलिन की मदद कर सके। इसलिए मार्कस भागता हुआ जाता है और रॉकेट्स को जला देता है, जिसकी शोर में ही एवेलिन अपने बेबी को जन्म देती है। और वहीं उधर ली गन लेकर घर के अंदर आ जाता है और फिर खून को देखकर वो एकदम डर जाता है। पर तभी उसे पीछे से एवेलिन अपने पास बुलाती है, जिसे सही सलामत देखकर ली उसे गले से लगा लेता है। फिर वो एवेलिन और बेबी को नीचे बने कमरे में लाता है और एवेलिन को आराम करने के लिए कहता है। वहीं रेगन भी दूर से पटाखों और रॉकेट्स को देखकर भागते हुए घर की तरफ आती है। और उधर सभी रॉकेट्स के जल जाने के बाद अब मार्कस डरने लगता है, इसलिए फिर अपने पास ही एक आवाज को सुनकर खेत में भागने लगता है, जिससे उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। और वहीं जब रेगन खेत के पास आती है तो नीचे टॉर्च गिरा हुआ पाती है और उसे लेने के लिए नीचे झुकती है, पर तभी उसके पीछे वो एलियन आ जाता है। पर तभी भाग्य से रेगन की एयर मशीन एक फ्रीक्वेंसी साउंड करती है, जिससे उस एलियन को भयंकर तकलीफ होने लगती है, जिस दर्द में वो वहां से भाग निकलता है। और तभी मार्कस रेगन को अपने पास खींच लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। वहीं उधर एवेलिन ली को अपने बच्चों की मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद ली बेसमेंट के बाहर आ जाता है और फिर मार्कस और रेगन को खोजने लगता है। वहीं अब मार्कस और रेगन टावर पर चढ़कर आग जलाते हैं, पर वो आग थोड़े ही समय में बुझ जाती है, जिससे दोनों बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। और उधर बेसमेंट में अब पानी भी भरने लगा था, जिससे एवेलिन जाग जाती है। और तभी वो उस पानी में एक एलियन को देखती है, जो कि उसकी बेबी की तरफ ही आ रहा था। इसलिए अब एवेलिन किसी तरह से अपने बेबी को उठाकर ऊपर से गिर रहे पानी के पीछे छिप जाती है।
रीस के पास आकर एलियन उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, पर पानी की आवाज़ से एविलेन बच जाती है। उधर ली दोनों बच्चों को खेत में खोजता है, पर उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और यहाँ टॉवर पर अचानक से मार्कस के नीचे का दरवाजा टूट जाता है, जिससे वो उसके अंदर रखे मक्के में ही गिर जाता है, जिससे आवाज हो जाती है। और तभी दूसरा दरवाजा भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे ली को पता चलता है कि टॉवर पर कोई है। इसलिए अब रेगन मार्कस को बचाने के लिए मक्के में कूद जाती है, पर वो खुद उसमें नीचे फंस जाती है। पर तभी मार्कस उसे किसी तरह से बाहर निकालता है। वहीं ली अपने पास से एलियन को टॉवर की तरफ जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो भागते हुए टॉवर की ओर आ जाता है। पर तब तक वो एलियन टावर पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए मार्कस और रेगन अपने ऊपर दरवाजे को डाल देते हैं। पर तब तक वो एलियन उन पर हमला कर देता है, जिससे रेगन की ईयर मशीन में एक फ्रीक्वेंसी साउंड करने लगती है, जिससे उस एलियन को फिर से तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब दोनों अपने पिता ली के पास आ जाते हैं, जिन्हें एवलिन कैमरा की रिकॉर्डिंग में देखती है। ली अब मार्कस और रेगन को पाकर बहुत खुश होता है, पर तभी उनके आसपास उस एलियन की आवाज आने लगती है, जिससे वो एकदम डर जाते हैं। तब ली मार्कस और रेगन को एक ट्रक में जाने के लिए भेज देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अब वो एलियन ली पर ही हमला कर देता है, जिसे देखकर मार्कस ट्रक से बाहर आकर अपने पिता को आवाज देता है, जिससे फिर एलियन उनकी ओर ही चला जाता है और उनके ट्रक पर हमला कर देता है, जिसे कैमरा में देखकर एवलिन सहम जाती है। पर तभी घायल ली किसी तरह से खड़ा हो जाता है और फिर इशारों में ही रेगन को व्यक्त करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता और हमेशा ही उससे प्यार किया है, जिसे देख रेगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर ली उन दोनों की जान बचाने के लिए बहुत तेज से चिल्लाता है, जिससे अब वो एलियन उनकी ट्रक से उतरकर ली की तरफ आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मार्कस ट्रक का ब्रेक हटा देता है, जिससे उनका ट्रक उनके घर की तरफ चलते हुए आ जाती है। पर इस घटना में ली उस एलियन के हाथों मारा जाता है। वहीं अब एलियन अपने बच्चों के गले लगकर रोने लगती है, जिसके बाद सभी ली के कमरे में आ जाते हैं, जहां पर रेगन अपने पिता का बनाया हुआ ईयर मशीन देखकर रोने लगती है। पर तभी एवलिन को वहां पर एक एलियन के होने का एहसास हो जाता है, जिससे सभी अब एकदम डर जाते हैं कि मानो आज उनका आखिरी दिन हो। इसलिए अब एवलिन अपने हाथ में एक गन ले लेती है और तभी उनके कमरे में वो एलियन आ जाता है और फिर उनकी शोर को सुनकर उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है। पर तभी रेगन की एयर मशीन से फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगती है, जिससे एलियन को बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद फिर रेगन वहां पर एक बोर्ड पर देखती है कि एलियंस की वीकनेस जानने के बारे में उसके पिता ने लिखा था, जिसे पढ़कर रेगन समझ जाती है कि एयर मशीन की फ्रीक्वेंसी एलियंस की कमजोरी है। इसलिए अब वो एयर मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे एलियन तड़पते हुए पूरी तरह से पागल हो जाता है, जिसके शोर के कारण फिर छोटा बेबी रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर अब वो एलियन उसकी ओर बढ़ता है। पर रेगन उसे रोकने के लिए फ्रीक्वेंसी साउंड को और बढ़ा देती है, जिसके कारण अंत में एलियन वही ढेर हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो एलियन उठकर फिर से उन पर हमला करता है, जिससे फिर एवलिन गन से शूट कर देती है और अब वो एलियन वहीं पर मारा जाता है। अब इसके बाद एवलिन और रेगन कैमरा की रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि दो और एलियन गन की आवाज सुनकर तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए अब वो दोनों हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए रेगन फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए मशीन की पावर को बढ़ा देती है और फिर एवलिन अपने गन को रीलोड करती है, ताकि वो उन एलियंस का सामना करके अपनी परिवार का रक्षा कर सके। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये पार्ट वन यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।